शहर समेत गिरदोनुमा में बारिश, जबकि बलाई इलाकों में वादी कागान, नारान समेत पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिशों और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि लैंड स्लाइडिंग और बर्फबारी से नारान से चिलास तक नारान झलखट रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमान शाह से। जी नुमान, अपडेट कीजिए। जी, मानसरा शहर समेत गिरदोनवाह में रात गए से वक्फे वक्फे से बारिशों के बलाई इलाकों वादिये कागान, नारान, शोगरान, बाबूसर टाप, सिरनवेरी के पहाड़ी मकाम पर बर्फबारी का सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है। अब बारिशों और बर्फबारी के बाद जो है मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है, जबकि यूँ कहिएगा कि जो मौसम सरमा है उसका बाकायदा से आगाज़ हो चुका है। शहरियों ने गर्म जो कपड़े हैं वो मलबूसात जो है वो निकाल लिए हैं, बाकायदा से जो है सर्दियाँ जो है उनका आगाज़ हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि जो बारिशों और बर्फबारी के बाद लैंड स्लाइडिंग के बाद जो है नारान से चलास तक शारा कागान जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है, जबकि नारान में भी इस वक्त कुछ तादाद में सयाह जो है वो बर्फबारी से महफूज होने के लिए मौजूद हैं, जबकि शोगरान में भी सयाहों की बड़ी तादाद जो है मौजूद है। ज़िले इंतज़ामिया की जानब से सयाहों के लिए हिदायतनामा भी जारी किया गया है कि एहतियाती तदबीर अख्तियार करते हुए बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ हों। ताहम जो है महकमा मौसमियात का यह कहना है कि जो बारिशों और बर्फबारी का। बहुत शुक्रिया से आगाह करने के लिए।